नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। चेन्नई ने कोलकाता को 27 रनों से हरा दिया और चौथी बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। मैच में कई पल ऐसे आए जब दोनों टीमों ने मुकाबले का रुख अपनी ओर मोड़ लिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स को शानदार शुरुआत मिली, लेकिन चेन्नई के बॉलर्स ने ऐसा जादू दिखाया कि पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा दिए गए 193 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम को शानदार शुरुआत भी मिली। वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और टीम 91 रनों की पार्टनरशिप भी की। साथ ही आपको बता दें, इसके साथ जो हुआ उसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। दरअसल 11वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को वेंकटेश अय्यर का विकेट मिला और इसके बाद तो मानो विकेटों की झड़ी लग गई। 11वें ओवर से शुरू हुआ विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार चलता रहा। आपको बता दें कि आईपीएल फाइनल के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीता था और पहले बॉलिंग का फैसला लिया था। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से फाफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की और इसी दम पर चेन्नई ने 192 रनों का स्कोर खड़ा किया। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह आईपीएल का चौथा खिताब है और इससे पहले एमएस धोनी की अगुवाई में ही चेन्नई सुपर किंग्स 2010, 2011 और 2018 में भी आईपीएल की ट्रॉफी को अपने नाम कर चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकने के बाद उनके लिए अच्छी वापसी करना काफी महत्वपूर्ण था और उन्हें खुशी है कि उनकी टीम इसमें सफल भी रही और चैंपियन भी बनी है। चेन्नई फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर चौथी बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर फॉफ डुप्लेसिस के 86 और शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से 3 विकेट पर 192 रन बनाए थे। इसके जवाब में केकेआर को शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन उसकी टीम आखिर में 9 विकेट पर 165 रन ही बना पाई। धोनी ने मैच के बाद कहा कि चेन्नई पर बात करने से पहले मैं केकेआर पर भी बात करना चाहूंगा। अगर कोई टीम इस आईपीएल में खिताब की दावेदार थी तो वो केकेआर ही थी। उसने बेहतरीन वापसी की और मुझे लगता है कि ब्रेक से उन्हें काफी फायदा भी मिला। उन्होंने कहा कि जहां तक चेन्नई की बात है तो आंकड़ों में हम लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम है, लेकिन हम फाइनल में हारते रहे। विरोधी टीम को हावी नहीं होने देने वाले पहलू पर हम सुधार करना चाहते हैं। हमने ऐसा किया और हमारे लिए अच्छी वापसी करना काफी महत्वपूर्ण भी था।